अभी इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमने कहाँ पर छोड़ा था, हाँ एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट का ही मैं बता रही थी कि देखो पहले इसके 4 पॉइंट करने हैं, उसके बाद इसके टाइप्स हैं दो, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है, ठीक है। अब सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, जो कोई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़, ठीक है। ओके चलो, हाँ कहाँ पढ़ रहे थे, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी इसका देख लिए, थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। EBCL का हम कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ रहे हैं और उसका 25 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पढ़ रहे हैं, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। आप साथ साथ में याद भी कर सकते हैं। तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और पर्सन, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, देखो एग्रीमेंट बिटवीन हमने पॉइंट कर ली, जैसे कि इसमें एंटरप्राइज पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, थर्ड इज पर्सन और फोर्थ पॉइंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कैसे याद करेंगे, एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेकेंड है हु बाय एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज कंट्रोल, इसमें भी 4 पॉइंट, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज कंट्रोल। तो कैसे, हु बाय एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है विच हैज़ एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। तो इस शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं हमें, AEOC बोल सकते हैं, ठीक है। और सच एग्रीमेंट आर वॉइड, ये सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। वॉइड मतलब इनवैलिड, ठीक है। तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट 4 पॉइंट है इसके, फर्स्ट पॉइंट लर्न करना है। तो कैसे करेंगे, एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, विच हैज़ एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। ये तो थर्ड पॉइंट था, है ना। पर सेकेंड पॉइंट में क्या, हु बाय एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज कंट्रोल, ठीक है। और सच एग्रीमेंट आर वॉइड, तो एक साथ सारे पॉइंट बोलो तो पूरी डेफिनेशन होगी। हमने लर्न करने के लिए 4 पॉइंट ऐसे हुए, पर ये पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट क्या है, सबसे पहला है एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हु बाय एग्रीमेंट बिटवीन प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज कंट्रोल, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में क्या था, एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन ना, हाँ, विच हैज़ एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, सच एग्रीमेंट आर वॉइड। अब ये हमने 4 पॉइंट याद कर लिए। उसके बाद है टाइप्स, टाइप्स क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल में क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु आर ऑपरेटिंग एट सेम लेवल, हॉरिजेंटल मतलब सेम लेवल पर, और वर्टिकल मतलब एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल, इसमें डिफरेंट लेवल। इसमें जो हॉरिजेंटल, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है, डिफेंडेंट पे, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन डिफेंडेंट, जबकि वर्टिकल में बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्लेंटिफ पे, ठीक है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, एक एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हु आर ऑपरेटिंग इन सेम लेवल, जबकि वर्टिकल में क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन हु आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट लेवल, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन डिफेंडेंट और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्लेंटिफ, ठीक है। अब हॉरिजेंटल एग्रीमेंट के अंदर भी पार्ट्स हैं, मतलब टाइप्स हैं इसके। तो जैसे कि हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है PMOB, PMOB मतलब मेमोरी ट्रिक है, याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है, याद करने के लिए PMOB, ठीक है। तो इसमें P फॉर प्राइस फिक्सेशन, M फॉर मार्केट एलोकेशन, O फॉर आउटपुट कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, और B फॉर बिड रिगिंग, PM के ऑफिस में जाके बिटिंग करेंगे, ये ऐसे मतलब याद करने का तरीका है, ठीक है। तो प्राइस फिक्सेशन मतलब क्या, एग्रीमेंट डेट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज और सेल प्राइस, ये तो पहला हो गया। और सेकंड है मार्केट शेयरिंग, एंटरप्राइज डिवाइड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जो